वहीं आप विधायक अमानतुल्ला खान का बड़ा दावा, ईडी मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर आई है। अमानतुल्ला खान की तरफ से कहा गया है मुझ पर कई एफआईआर दर्ज की गई। अमानतुल्ला खान ने ये बातें कही, मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, इनका मकसद हम लोगों को तोड़ने का है। वीडियो जारी कर इस मामले के बारे में अमानतुल्ला खान की तरफ से जानकारी दी गई है। तो देखिए, अमानतुल्ला खान ने ये जानकारी दी, ये वीडियो जारी किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने ये पोस्ट किया है सुबह लगभग 6:29 पर उन्होंने पोस्ट किया। ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची हुई है, तमाम दस्तावेज को खंगाले जा रहा है वहां पर। और देखिए बड़ी खबर, अमानतुल्ला खान की तरफ से वीडियो जारी करके कहा गया है कि इनका मकसद हम लोगों को तोड़ने का है और इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई अमानतुल्ला खान की तरफ से। उन्होंने कहा कि मुझ पर कई एफआईआर दर्ज की गई है, ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करने आई है। आगे अमानतुल्ला कहते हैं कि मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। तो अमानतुल्ला खान की तरफ से ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने पोस्ट किया, सुबह से ही ईडी की एक कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में अमानतुल्ला खान की तरफ से कहा गया है कि ईडी की टीम मुझे और मेरी पार्टी को परेशान करना चाहती है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है। तो आपको बता दें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अमानतुल्ला के घर पर इस वक्त मौजूद है। और देखिए, वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में ईडी तमाम दस्तावेज को खंगालने की कोशिश कर रही है और ऐसे में अमानतुल्ला खान की तरफ से ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर ये पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर आई है, मुझ पर कई एफआईआर दर्ज की गई है, मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। आगे अमानतुल्ला लिखते हैं कि इनका मकसद हम लोगों को तोड़ना है। वीडियो जारी कर इस मामले में जानकारी भी अमानतुल्ला खान की तरफ से दी गई है। तो एक तरफ जहां ईडी की छापेमारी जारी है, वहीं अमानतुल्ला खान की तरफ से पोस्ट करके इस बारे में कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार करने ईडी की टीम उनके घर पहुंची हुई है, मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। ये बड़ा बयान अमानतुल्ला खान की तरफ से सामने निकल कर आया। तो आप विधायक के घर पर ईडी की ये छापेमारी लगातार जारी है और देखिए, ईडी की टीम के साथ ही पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, सुरक्षा बलों की भी वहां पर मौजूदगी है। ईडी का शिकंजा अमानतुल्ला खान पर फंसता हुआ, यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, अमानतुल्ला खान की तरफ से ये वीडियो संदेश भी जारी किया गया है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका भी जाहिर की है। सुबह सुबह अमानतुल्ला खान की तरफ से ये पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम आई है। तो अमानतुल्ला खान आपके नेता, उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। आगे अमानतुल्ला कहते हैं कि मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है। और ऐसे में देखिए, अमानतुल्ला खान की तरफ से ये वीडियो बनाया गया। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो अमानतुल्ला खान की तरफ से वीडियो संदेश जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि सर्च वारंट के नाम पर मुझे गिरफ्तार करने ईडी की टीम मेरे घर पहुंची। वो आपने, जब आपको मैंने लिखा था कि
चार हफ्ते का टाइम चाहिए। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए। अरे 1000% और क्यों आए हैं आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए? किस चीज अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है बताओ? क्या सर्चिंग है मेरे पास? क्या ऐसी कैसी करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। दिखा दो। देखिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना है। अब ये फेक नहीं है सर, मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई। आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? उनके वुड लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, देखिए वीडियो संदेश जारी करके कहा गया है अमानतुल्ला खान की तरफ से कि उनकी गिरफ्तारी के लिए ईडी की टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन ईडी की टीम का कहना है कि हम सर्च वारंट के तहत यहां पर तलाशी लेना चाहते हैं। इस वक्त क्या जानकारियां इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही हैं? जी बिल्कुल स्वाति, इस मामले में अभी ईडी की रेड चल रही है। ईडी पूछताछ करेगी, सर्च कर रही है, क्योंकि इससे पहले ईडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 12 घंटे तक अमानतुल्ला खान से पूछताछ की थी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जब चेयरमैन अमानतुल्ला खान थे उस समय 32 लोगों की नियुक्तियां गलत तरीके से की गई है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो किराए पर दी गई है, और इसी सिलसिले में एसीबी ने 2022 में छापेमारी की थी जिसमें से कई सारे सबूत हाथ लगे थे। पिस्टल बरामद किया गया था, कारतूस बरामद किया गया था और कुछ कैश बरामद किया गया था। उसके बाद सीबीआई और ईडी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई इस मामले में भी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन ईडी लगातार इस मामले में मान रही है कि चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसलिए इस मामले में अमानतुल्ला के खिलाफ जो है कुछ सबूत हाथ लगे हैं ईडी को। उसी सबूत के बिना पर ईडी अब दोबारा पूछताछ करना चाहती है।